La offesa. La offesa. Ma anche Krishna Tanaka, mio confidante. बहुत अच्छा रहा, आप देख ही रहे मतलब जो पूरा शो है हमारा जो चलेगा इतने हफ्तों तक, उसका एक कंपाइलेशन करके हमने लिखा है एंड बहुत अच्छा रहा. हर सीजन ही अच्छा जाता है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कंटेस्टेंट्स कौन आ रहे हैं, खिलाड़ी कौन आ रहे हैं, उस पर निर्भर करता है. एंड इस बार भी लकीली जैसे हर सीजन में कलर्स की टीम अच्छे लॉट को लेके आती है, वही हुआ. लेकिन जो टीम आई थी साथ में जो खिलाड़ी आए थे वो बहुत अच्छे थे. आई थिंक इस वजह से शो इतना अच्छा बन के निकला. हम तो हर साल कर ही रहे हैं, हम हर साल नया स्टंट लाने की कोशिश करते हैं, बट जब तक के अच्छे खिलाड़ी नहीं मिलते ये शो बनकर निकल नहीं आ सकता. और मैं सिर्फ एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमेडी एक जो सबकी एक ट्यूनिंग होती है, सबका एक एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर हो जाता है, वो होना बहुत ज़रूरी होता है और वही हुआ. एंड अगर पिछला सीज़न हमारा वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा है, हाईएस्ट रेटेड सीजन रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीज़न भी उससे ज़्यादा लोगों को पसंद आए. एंड शनिवार से तो शुरू हो रहा है 22 तारीख से, एंड आप लोग सब देखिएगा. फैमिली शो हो गया है अभी, सिर्फ एक एक्शन शो नहीं रहा है, क्योंकि उसमें सीजन जो मैंने किए तो बच्चे मिलते हैं, फैमिली ऑडियंस मिलती है और सारों को ये पसंद है, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा गया. जब आप शो देखेंगे तो एक होलसम एंटरटेनमेंट शो है. इमोशनली एक्चुअली बिकॉज स्टंट बेस्ड शो है और एक एक बहुत ही दिखने में थोड़ा सा शायद ऐसे एडवेंचरस लगे, बहुत ज़्यादा है एवरीडे लगे कॉन्स्टेंट 50 दिन करें हम 17-18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे भी कभी कभी काम करते हैं. एंड आई थिंक तब जाके इस तरह का शो ऑन टेलीविजन निकल कर आता है. सारे शो से अलग है और ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी शो से अलग शो है. इसमें मेहनत बहुत है एंड ऑब्वियसली एक इमोशनली, और जब तक मेरा मानना ये है कि इस तरह के शो में जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो इस तरह से निखर के नहीं आ सकते. हम सभी इमोशनली अटैच्ड हैं शो से क्योंकि इस शो को इतना प्यार मिला है और आई थिंक वही वजह अगर इतना प्यार ऑडियंस से नहीं मिलता तो शायद हम भी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते, इतनी मेहनत नहीं करते जितनी अब हम करते हैं शो में.